बार बार जो हम गुडविल के लिए इतने पर्टिकुलर हैं और अपने कमिटमेंट को लेकर के, तो हमेशा से ये सिखाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। थैंक यू। जिस भी किसी ने ये सवाल पूछा, जैसे कि मैं अक्सर किसी भी पब्लिक फोरम पे या जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूँ कि मेरे अंदर दो डीएनए का लीथल कॉम्बिनेशन है। मेरे फादर साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, हम लोग जमींदार हैं, और मेरे मदर साइड के जो एंसेस्टर्स हैं, वो मेरे नाना जी एक संत थे, संत श्री छोटे जी महाराज के नाम से वो मशहूर थे। तो उस लीनिएज और उस डीएनए के होने की वजह से, आप चाहें ना चाहें, चूंकि आपकी माता मेरी मदर उस परिवार में जन्मी है, उनके जो अपने वैल्यू सिस्टम हैं उस पूरे परिवार के, वो वही हैं जो नाना जी ने बना के दिए थे। तो वो पूरा परिवार आज भी एक आदर्श इंसान का स्वरूप की जब कल्पना करता है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही कल्पना करता है। तो जब भी कभी मेरी मदर ने बचपन से आज तक बड़ा करने में हमको जब भी कभी किसी बात के लिए समझाया है, तो उन्होंने हमेशा रामायण के दोहे और चौपाइयों के उदाहरण पढ़ के ही समझाया है, और हमेशा यही समझाया किसी न किसी तरीके से कि राम के जैसे आदर्श बनना है। अगर एक आइडियलाइज करना है, बेंचमार्क करना है, तो हर रिश्ते में राम अपने माता पिता के साथ रिश्ता कैसे निभाते थे, राम अपने भाइयों के साथ रिश्ता कैसे निभाते थे, राम अपने प्रतिद्वंदियों के साथ रिश्ता कैसे निभाते थे, राम किसी से भी शत्रुता नहीं निभाते थे, वो प्रतिद्वंदी मान लेते थे उसको, और राम अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ कैसे व्यवहार रखते थे, राम अपनी प्रजा के साथ कैसे व्यवहार रखते थे, राम फ्यूचर के बारे में कैसे प्लान किया करते थे, राम अपने बच्चों के बारे में, अपने रघुकुल के इज्जत के बारे में, जैसे ये फेमस लाइन बार बार जो हम गुडविल के लिए इतने पर्टिकुलर हैं और अपने कमिटमेंट को लेकर के, तो हमेशा से ये सिखाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इस तरीके के मल्टीपल उदाहरण। और एक और चीज़ होती है कि हमारे परिवारों में जब भी कुछ अच्छा सेलिब्रेट करना होता है, तो रामायण का अखंड पाठ और सुंदरकांड का अखंड पाठ होता है, जो सारे लोग सामूहिक रूप से करते हैं, फिर भंडारा करना, और भंडारे में आप आए हुए लोगों को प्यार से सम्मान से खाना खिलाते हैं, फिर उनका पैर छूते हैं, और जैसे ब्राह्मण भोजन साल में कई बार हमारे घरों में होता है, तो जितने भी ब्राह्मण आए होते हैं सबका पैर धुलाना, उनके पैर को पोछना, उनको खाना खिलाना। तो ये प्रक्रिया करने से आपको पता भी नहीं चलता कि कब एक्चुअली में आप अपने ईगो को वॉश आउट कर रहे हैं, कब आप अलग तरीके से आप किसी भी ब्राह्मण का या किसी भी आने वाले व्यक्ति का पैर छू रहे हैं, उसका पैर धुला रहे हैं, उसका पैर तौलिए से पोछ रहे हैं। तो एक्चुअली में आप झुकना सीख रहे हैं, आप अपने ईगो को सरेंडर करना सीख रहे हैं। तो ये बिना बोले, बाय प्रैक्टिस, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन ए फैमिली वेयर राम वॉज सो मच अलाइव एवरी डे, हमें तो कभी लगा ही नहीं कि हम राम राज्य में नहीं जी रहे हैं या राम हमारे राजा नहीं है। हम लोग तो आज भी जब डेली बेसिस पे, हम लोग अगर हम सो के भी उठते हैं तो मेरी माँ जब सामने आती है तो श्री राम ही बोलते हैं,
फोन भी करते हैं फैमिली में एक दूसरे को, तो हम लोग हेलो की जगह श्री राम ही बोलते हैं। तो हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम लोग राम राज्य में ही जी रहे हैं। और ये सब कुछ करने और सिखाने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया, जस्ट बिकॉज हम संत छोटे जी के परिवार में जन्मे हैं। मेरी माँ उस परिवार से इस परिवार में आई, मेरी दादी ने भी उस चीज को बहुत सहर्ष स्वीकार किया, सम्मान के साथ स्वीकार किया, तो वो धीरे धीरे वो सात्विक कल्चर मेरे मेरे पिताजी के परिवार में भी, यहाँ पे भी सब लोगों में वो चीज आ गई। तो ये वैल्यू सिस्टम शायद परिवार इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि परिवार में आपके पिता, आपके बड़े, आपके गुरु के तरह बनते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत हम लोगों के अंदर वो वैल्यूज इनवाइब कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारे अंदर जो भी धार्मिक, सात्विक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो भी ऐसे डायमेंशंस हैं, वो इसलिए है बिकॉज आई एम बॉर्न विथ डीएनए ऑफ संत श्री छोटे जी महाराज। और आई विश एंड प्रे टू गॉड कि अभी हमारी आने आने वाली कई जनरेशंस में अगर भगवान की कृपा रही तो ये ग्राउंडेड वैल्यूज रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू।